गोपालगंज एनडीए प्रत्याशी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू के समर्थन में आज कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने आज अपने आवास पर जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें एनडीए के गोपालगंज के नेताओं ने शिरकत किया। इस समारोह में नेताओं ने सभी जनप्रतिनिधियों से प्रत्याशी राजीव कुमार को जिताने की अपील की। कुचायकोट के विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार एवं नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं राजीव कुमार, हम सभी लोग इन्हें जिताने के लिए एकजुट हुए हैं। वहीं मंत्री जनक राम ने सभी वार्ड सदस्य एवं बीडीसी सदस्य और मुखिया सदस्य से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए राजीव कुमार को अपना कीमती वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं। पुष्पेंद्र कुमार सिंह, गोपालगंज। हम लोग के एनडीए के प्रत्याशी हैं राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू। उनके लिए मैं पूरे ज़िले से जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनको अपने यहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाया था, जिसमें पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया जी, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य सारे लोग आए हुए हैं। और 4 तारीख को अपने प्रत्याशी को हम लोग 1 नंबर का वोट दे करके हम लोग जिताने का काम करेंगे। आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी जो बिहार के विकास पुरुष हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के विकास पुरुष हैं, उनके प्रत्याशी हैं। हमारे सारे नेता बैठे हुए हैं, जो भी एनडीए के हैं, जदयू के, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, जदयू के भी अध्यक्ष जी हैं। हम लोग 4 तारीख को अपने प्रत्याशी को 1 नंबर का वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। इसी में हमारे सारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं और आगे हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी के रूप में मैं राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू एनडीए प्रत्याशी के रूप में अभी गोपालगंज से चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी पीछे का भी जो तीन चुनाव हुआ उसमें लगातार एनडीए का प्रत्याशी ही जीते हैं चुनाव। अभी वर्तमान में 4 एनडीए के विधायक हैं गोपालगंज से, 3 बिहार सरकार के मंत्री हैं, सांसद जदयू सांसद गोपालगंज से हैं। और 2005 से जो विकास का कड़ी चल रहा है उसका समागम आप लोग के सामने है। हर जाति हर वर्ग को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम करने का मौका दिया और गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया। और तमाम जिले से आए हुए प्रतिनिधिगण का जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो आप और साथ साथ प्रिंट मीडिया के लोग सहयोग से मैं आपके चुनाव मैदान में हूं। 4 तारीख को मतदान है, जिसका अपील मैं आप लोग के सामने सब करता हूँ। और 7 तारीख के बाद मजबूत सिपाही के रूप में पूरे जिले का विकास लगातार 6 वर्षों तक करता रहूँगा। मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से गोपालगंज जिला के समस्त जनता को हम कोट से बधाई देना चाहते हैं कि आज हथुआ के धरती पर कुचायकोट के सम्मानित विधायक आदरणीय अमरेंद्र पांडे जी की आवाज़ पे जो बैठकें चल रही है, इस बैठक में आप देख रहे हैं कि बीडीसी, वार्ड और मुखिया, जिला पार्षद काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं। उपस्थिति क्या कारण है, क्या आपने सम्मानित विधायक की बात को सुना है कि देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के सशस्त्र मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चेहरा के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आदरणीय राजीव कुमार जी उर्फ गप्पू बाबू, जो 4 तारीख को प्रत्याशी नहीं, गोपालगंज जिला के सम्मानित चुने हुए प्रतिनिधियों ने आपको MLC बना करके उस सदन के सदस्य बनाने का काम करेगी। मुझे लगता है कि कोरम पूरा किया जा रहा है। आपको बताऊं कि यहाँ सांसद JDU का है, 2-2 मंत्रियाँ हैं NDA का है, और 6 विधानसभा का लोकसभा का सीट होता है, जिसमें 4-4 यहाँ NDA का विधायक है। तो यही हमारी जीत है। और जनता तो नीतीश कुमार जी के चेहरा और देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर अपने मत का प्रयोग करेगी। और चुने हुए प्रतिनिधियों ने, जो माननीय विधायक अमरेंद्र पांडे जी ने कहा कि 2005 के पहले बिहार और गोपालगंज जिला की जो स्थिति खस्ते हाल था, उसको सुदृढ़ करने में, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा देने में बिहार के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने काबिले तारीफ काम किया, तो मुझे कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है कि विपक्ष हम सबके सामने है। विपक्ष का अपना काम है, चुनाव मैदान में है, लेकिन जनता ने मन मिजाज बना करके राजीव प्रसाद गप्पू बाबू को जिताने की मूड बना चुकी है। धन्यवाद।